आइए आज हम बनाते हैं हरी मटर का निमोना। इस समय सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो हरी मटर तो बहुत ताज़ी ताज़ी आती ही है मार्केट में, तो इस तरीके से हरी मटर का निमोना बनाएंगे आप बिल्कुल यूपी स्टाइल में। तो आप बाकी तरीके निमोना बनाने के भूल जाएंगे, तो आइए बनाना शुरू करते हैं हरी मटर का निमोना। तो देखिए, हरी मटर का निमोना बनाने के लिए हमने ये लगभग आधा किलो हरी मटर को छील कर लिया है, और ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हमने इसको भी छील कर ले लिया है, और ये कुछ टमाटर हमने लिए हैं, और इसके बाद ये हरे लहसुन के डंठल हैं, आप ये ले सकते हैं। अगर नहीं है आप जो नॉर्मल लहसुन होता है वो वाला ले सकते हैं, और हरा धनिया लेंगे। इसको हम डंठल बिल्कुल अभी अलग नहीं करेंगे, डंठल सहित इसको कट करके लेंगे। और 3 हरी मिर्च हमने ली है, ये अदरक का टुकड़ा। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं हरी मटर का निमोना। के निमोना के लिए आलूओं को सबसे पहले हम इस तरीके से लंबाई में कट करके लेंगे। आप चाहें तो अपनी मनपसंद शेप्स से काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम लंबाई के टुकड़ों में कट करके लेंगे। आलू को कट करने के बाद सबसे पहले ये जो हमने सारी चीज़ें ली हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, इन सारी चीज़ों को पीस कर इसकी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें लहसुन की डंठल का जो टेस्ट होता आता है वही इसमें सबसे अच्छा अलग से फ्लेवर देता है, तो इसमें लहसुन के डंठल बिल्कुल भी अलग से कट ना करें, इसी के साथ पीस दें इसको। इसकी ये चटनी पीस कर हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसको अलग निकाल लेते हैं। चटनी निकालने के बाद इसी जार में ये हम हरी मटर पीस लेंगे। मटर को बिना पानी डाले दरदरा सा पीसेंगे, और पूरी मटर नहीं पीसेंगे हम, सिर्फ इतनी मटर पीसेंगे। और ये मटर हम खड़ी ही डालेंगे, इसको बचाकर अलग रखते हैं, इसको खड़ी ही डालेंगे। मटर को भी हमने इस तरीके से पीस कर ले लिया है, हम इसको भी अलग कर लेते हैं। अब ये टमाटर हैं, इनको आप चाहें तो बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको पीस कर डालेंगे। अब देखिए, एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे, और इसमें 2 चम्मच हम ये सरसों का तेल डाल देते हैं, और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हमने आलूओं को इस तरीके से छन्नी में करके रखा है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल सके, और आलू डालकर इसे हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से सारे आलूओं को गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए आलूओं को इस तरीके से गोल्डन होने तक हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब हम इनको अलग निकाल लेते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें 1 तेज पत्ता, जीरा 1/2 चम्मच। जीरा जब चटक जाए तो हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे, क्योंकि हम ये मटर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो हींग का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, और हाजमे के लिए भी सही रहता है। और अब हमने इसमें ये हरी मटर जो पीस कर रखी है ये डाल देते हैं। और इसको अच्छे से भून लेंगे हम। इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम मटर के दानों को पीस लेंगे, और इसमें ये जो मटर के दाने जो हमने खड़े रखे थे ये भी इसी में डाल देंगे ताकि ये भी इसी के साथ पक सकें, और इनको मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से खुशबू आने तक इसको हम भून लेंगे। देखिए 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लिया है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो सके। अभी ये मसालों के साथ भी भूनेगा। अब हम इसमें ये जो टमाटर हमने पीस कर रखा है ये भी डाल देते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें कटा हुआ टमाटर डाल सकते हैं, बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो देखिए टमाटर हमने डाल दिया है, इसको भी इसी के साथ भून लेंगे। और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी अच्छे से पक सके। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, और इसको अच्छे से भून लेंगे हम। तो देखिए टमाटर डालने के बाद इसको हमने अच्छे से पका लिया है, इसका तेल अलग होने लगा है, इतना हमने पकाया है। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं।
उसके लिए हल्दी पाउडर एकदम आधा चम्मच डालेंगे, क्योंकि सब्जी को हमको पीला नहीं करना है, सिर्फ जो है कि हरे के बैलेंस को करने के लिए कलर को। अब हम इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, बाकी हम इसमें कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, लाल मिर्च भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का यूज किया है। सिर्फ हल्दी और धनिया पाउडर डाला है हमने इसमें, और आप चाहें तो गरम मसाले का टेस्ट अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आज हम ये बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए हम इसमें गरम मसाला भी नहीं डालेंगे। सिर्फ ये जो हमने धनिया की चटनी पीस कर रखी थी, लहसुन की पत्तियाँ और धनिया की, वो हम इसी में मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। मसाले डालने के बाद अच्छे से हम इसको पका लेते हैं। मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका तेल बिल्कुल अलग होने लगा है, इतना भूना है हमने इसको, और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और आप इस तरीके से इसको भूनेंगे तो इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, सौंधी सौंधी सी मटर भूनने की। और अब हम इसमें जो आलू फ्राई करके रखे हैं वो डाल देते हैं। इसे आलू को इसमें मिक्स कर देंगे, और अब हम इसमें लगभग एक कप पानी डाल देते हैं। ग्रेवी आपको जितनी पतली या गाढ़ी रखनी है उतना पानी डालिए, क्योंकि इसकी ग्रेवी ठंडी होने पे और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। देखिए अभी इसकी ग्रेवी गाढ़ी है, तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। इतना पानी हमने इसमें डाल दिया है, और इसको अब हम ढककर लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि आलूओं में जो भी कसर हो और मटर में वो सारे अच्छे से पक जाएं। तो देखिए इसको हमने एक उबाल आने तक अच्छे से पका लिया है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। और आलूओं को भी हम दबा कर देख लेते हैं, आलू भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए सर्व करने के लिए तैयार है हरी मटर का निमोना। आपने देखा कि हमने इसमें कोई भी ज़्यादा गरम मसाले, ज़्यादा और भी मसाले डालने की कोई नहीं डाला है कुछ भी इसमें, और बिल्कुल देसी स्टाइल से बनाकर तैयार किया हरी मटर का निमोना। देखिए सर्व करने के लिए ये तैयार है गर्मा गर्म हरी मटर का निमोना, और आप चाहें तो इस तरीके से ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश कर सकते हैं। अगर नहीं भी डालना चाहते हैं तो अंदर तो हम इसमें धनिया पीस कर डाल ही चुके हैं मसालों के साथ, तो इसमें ऊपर से धनिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा, जैसे आप सर्व करना चाहें तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।